गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कंटिन्यू करेंगे देखो ऑल्टरनेटिंग करंट से। यस्टरडे आई हैव डिस्कस्ड सम बेसिक्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। ऑल्टरनेटिंग करंट सो कल मैंने रेटिंग की बात करी थी। जो रेटिंग होती है एसी की, जैसे कि मैंने लिखा रेटिंग इज 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो 220 वोल्ट है, गुड मॉर्निंग, ये आरएमएस वैल्यू है। वीआरएमएस इज 220 वोल्ट है सर में, और फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं 2 पाई एफ से, ये हो जाएगा 100 पाई रेडियन पर सेकेंड। और इससे हम पीक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। देखो पीक वैल्यू का क्या फॉर्मूला है, वी आर एम एस इंटू रूट टू। तो ये हो जाएगा 220 रूट टू। सो रेटिंग से हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आरएमएस वैल्यू जो दिया रहता है 220 वोल्ट, वही आरएमएस वैल्यू है। फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और पीक वैल्यू, इतना हम फाइंड कर सकते हैं। सो और इसमें आगे अब देखो, जैसे फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात मैंने कल कर लिया था, है ना, कि एक साइकिल में दो बार वो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है ऑल्टरनेटिंग करंट। और ये भी हम देख लिए थे कि टाइम पीरियड है दिया है तो फ्रीक्वेंसी कैसे आएगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी दिया, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, ग्राफ भी थोड़ा सा मैंने समझा दिया था। अभी थोड़ा और डिटेल में मैं उसी ग्राफ में ही आता हूँ, ठीक है, और इक्वेशन में। सो देखो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है, देखो जो जनरेटर से हमें मिलता है ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, ये होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। किसी किसी बुक्स में वी के टर्म्स में लिखा रहेगा वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो मतलब तो एक ही है, ये पीक वैल्यू हो गया, वी नॉट इज पीक वैल्यू और वी आ जाएगा इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो ये जो ईएमएफ, इसको मैं थोड़ा और बताता हूँ डिटेल में। देखो पहली चीज, इसका जो ग्राफ होगा ना, वो साइन ग्राफ होगा ऐसा, लाइक दिस। तो इससे पहले तो फैमिलियर होना चाहिए हमको। तो मैं वाई एक्सिस कहलाऊँ ईएमएफ लिख रहा हूँ और एक्स एक्सिस कहलाऊँ टाइम। साइन ग्राफ है ये। तो देखो ये जीरो से शुरू होता है और टी सेकेंड्स तक, मतलब कैपिटल टी सेकेंड्स तक इसकी एक साइकिल फिनिश हो जाती है, ठीक है। ऐसा इसलिए बिकॉज यहाँ पर जो एंगल है ओमेगा टी, उसकी वैल्यू जीरो से टू पाई के बीच होगी, तो फिर उसके बाद फिर ग्राफ रिपीट होगा। जैसे मैं साइन थीटा बनाऊँ, यहाँ पर साइन थीटा और थीटा के बीच का ग्राफ, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ क्या लेंगे, जीरो पाए टू पाए, ठीक है, लाइक दिस। मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होती है पाए बाई टू पर, ठीक है, और साइन को इंक्लूड करके माइनस वन, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी थ्री, ये कितना, थ्री पाए बाई टू पर, ठीक है। तो ये साइन ग्राफ क्लियर है, तो ये समझ में आ जाएगा जो मैंने बनाया ना ईएमएफ का। सो व्हेनेवर साइन ओमेगा टी इज प्लस वन, ईएमएफ विल बी
प्लस ई नॉट, तो ये प्लस ई नॉट हो जाएगा, और जब साइन थीटा माइनस वन होगा उस इंस्टेंट में ईएमएफ हो जाएगा माइनस ई नॉट, साइन जब माइनस वन होगा तो, साइन जब साइन जीरो होगा तो ईएमएफ भी जीरो होगा उस इंस्टेंट का। सो मैक्सिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड में अगर बात करूँ तो ई नॉट है, मिनिमम वैल्यू मैग्नीट्यूड में ज़ीरो है। तो जो शुरू की हाफ साइकिल है ये हम कह सकते हैं कि क्लॉकवाइज करंट होगा, और जो नेक्स्ट हाफ साइकिल है वो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल क्लॉकवाइज है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसे हम मान सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज होगा और ये एंटी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन रिवर्स हो गया ना, करंट नेगेटिव हो जाएगा, ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा, फिर से पॉजिटिव हो गया देखो यहाँ पर, सो अगेन इट विल बी क्लॉकवाइज। करंट की तो दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है लूप में, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। सो हर आधी साइकिल के बाद करंट का या ईएमएफ का कह लो डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है, अच्छा, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है साइन ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दो बार आ रही है, ठीक है, जीरो से मैक्सिमम, फिर बीच में कहीं आधी भी आएगी, है ना, तो कहीं पर रूट थ्री बाई टू भी आएगी। तो एक मैं न्यूमेरिकल लिखता हूँ इस पर बेस्ड, फिर अपन आगे बढ़ेंगे, फिर मैं एवरेज ईएमएफ की बात करूँगा। लिखो V इज इक्वल टू टेन साइन पाई बाय थ्री टी वोल्ट्स, ये क्वेश्चन है, फाइंड पीक वोल्टेज आरएमएस वोल्टेज वोल्टेज एट t बाय थ्री सेकेंड्स, t क्या है टाइम पीरियड है, ठीक है। और एक और लास्ट क्वेश्चन, टाइम इन वन साइकिल व्हेन वोल्टेज बिकम्स हाफ ऑफ पीक वैल्यू, तो यहाँ थोड़ा सा मैथ्स आ जाएगा, देखो ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, साइन थीटा की जो वैल्यू होती ना उसे कंसेप्ट ने। सो देखो यहाँ पीक वोल्टेज तो बिल्कुल सामने ही दिख रहा है, ठीक है, तो ये वी नॉट की वैल्यू हो जाएगी 10 वोल्ट पीक वोल्टेज हो गया, और वी आर एम एस हो जाएगा, वी आर एम एस क्या होता है, वी नॉट बाय रूट टू, फाइन, सो 10 बाय रूट टू वोल्ट, इसको मैं 5 रूट टू भी लिख सकता हूँ। ये आ गया वी आर एम एस। अब पूछ रहा है कि वोल्टेज है टी बाई थ्री सेकेंड्स, तो देखो टू पाई बाई टी ये होता है ओमेगा, राइट, सो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या है पाई बाई थ्री, सो टी को हम रख सकते हैं 6, टी की वैल्यू आगे 6 देख सकते हो। थीटा ओमेगा टी से हमने निकाल लिया, थीटा की वैल्यू पाई बाय थ्री इंटू टी, सो यहाँ से टाइम पीरियड आ गया 6। अब ये बोल रहा है कि वोल्टेज फाइंड करना है टी बाय थ्री पर, वोल्टेज एट स्मॉल टी इज इक्वल टू टी बाय थ्री, तो ये हो जाएगा वी इज इक्वल टू 10 साइन पाई बाय थ्री इंटू टी बाय थ्री, टी की वैल्यू 6 रख दो तो हो जाएगा 10 साइन पाई बाय थ्री इंटू 6 बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री, टू पाई बाय थ्री कितना होता है 120, राइट,
और साइन 120 की वैल्यू क्या होती है? यस बोलो, साइन 120 कितना होता है? टेल मी व्हाट इज साइन 120। ओके बोलो आंसर। √3/2। ओके वेरी गुड। तो साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन 90+30, सो ये हो जाएगा कॉस 30 √3/2 आ गया। ठीक है समझा? तो ये आ गया 10√3/2, दैट मींस 5√3 वोल्ट। ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है वोल्टेज है T/3। मतलब टाइम पीरियड का आधा है ना। देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं ग्राफ से ही बता देता हूँ है ना, तो कि ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ये तो पूरा टाइम पीरियड है टी, इसका मुझे 1/3 चाहिए, तो लगभग यहाँ कहीं पर होगा। वन थर्ड ठीक है ना, T/3। सो ये T/3 पर देख सकते हो, ये जो वैल्यू है ना, या इसे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी वो पूछा है। सो √3/2 को मैं लिख सकता हूँ 1.73/2, जो जाएगा 0.865। ठीक है, 1 से तो छोटा ही है, 865 times 10, सो 8.65 वोल्ट। ठीक है ना, 8.65 वोल्ट आएगा इसका आंसर। और 5√3। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया था, व्हेन वोल्टेज बिकम्स हाफ ऑफ पीक वैल्यू, टाइम इंस्टेंट्स निकालना है जब वोल्टेज मैक्सिमम का आधा हो, पीक वैल्यू का हाफ हो, तो ऐसा कितनी बार होता होगा पहले ये भी हमको सोचना है। एक साइकिल में लिखा है ना, इन वन साइकिल, तो इसको मैं ग्राफ से बताता हूँ। देखो पहले ग्राफ बना लेते हैं, ये आ गया ग्राफ। ठीक है ओके, तो ये जो V है, ओके 2 सेकेंड्स, अच्छा ओके चलो देखते हैं। तो टाइम पीरियड है 6 सेकेंड्स, तो देखो ये जो पीक वैल्यू है वो तो दो बार आ रही है ना, एक साइकिल में पीक वैल्यू यहाँ यहाँ आ रही है, बट पीक वैल्यू का आधा मतलब V0/2, तो एक वो यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ पर, नेगेटिव में भी हो सकता है, ओवर हियर एंड हियर, चार बार आ रहा है। समझ आया ये बात? सो इन वन साइकिल वोल्टेज अटेंस वैल्यू इक्वल टू हाफ ऑफ पीक वैल्यू फोर टाइम्स आती। अभी चारों टाइम अपन को निकालना है, ध्यान रखो। तो जिन जिनका मैथ्स है जेई में, वो तो आई होप बहुत अच्छे से बता देंगे, और जिनका नीट है मतलब मैथ्स नहीं लिए थे, उनको मैं थोड़ा सा बोलता हूँ कि कैसे हमको फाइंड करना है। पहली चीज़ देखो, वी है वी नॉट साइन ओमेगा टी, और वी नॉट की वैल्यू 10 लिया था, सो 10 साइन ओमेगा की वैल्यू π/3 है और टी, तो V की वैल्यू V0/2 रख देते हैं। तो यहाँ से देख सकते हो 5 = 10 sin π/3 t।
अब ये जो साइन ग्राफ है ना, ये चार क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ। तो ये चार वैल्यू जो आ रही हैं आधी आधी, तो पीक वैल्यू का हाफ, ये चारों क्वाड्रेंट में हमको अलग अलग करके निकालना पड़ेगा। समझ आ रहा है? सो देखो, तो ध्यान से देखना, फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो 0 से 90 के बीच आंसर आना चाहिए, है ना। थीटा की अगर बात करूं तो ये साइन पाई टी बाय 3 1/2 है। सो थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स 1/2 आएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 30 डिग्री हो जाएगा, पाई बाय 6, राइट। सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 6, थीटा है पाई बाय 3 टी। सो यहां से पहला जो इंस्टेंट आ गया टाइम का, वो आ गया 0.5 सेकेंड्स। ठीक है, समझा? 0.5 सेकेंड्स हो जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो हम लिखते कैसे, थीटा की वैल्यू अब 90 से बड़ी आनी चाहिए। सो साइन थीटा प्लस 90 इज इक्वल टू 1/2। एक काम करते हैं, सो अल्फा लिख लेते हैं। हाँ चलो, 90 प्लस अल्फा। सो यहाँ से कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, तो अल्फा कितना आ गया, 60 डिग्री। सो थीटा आ जाएगा 90, ऐड कर दो उसमें 150 डिग्री। सो यहाँ से और आगे इसको मैं लिख सकता हूँ 5π/6। इसको इक्वेट करो पाई टी बाय 3 से, 5π/6 इज इक्वल टू पाई टी बाय 3। सो 15/6 आ गया। नेक्स्ट इंस्टेंट, नेक्स्ट टाइम की जो वैल्यू है वो आ गया 15/6 सेकेंड्स, है ना। 2.5 हो जाएगा ये। सो T1 आ गया 0.5, T2 हुआ 2.5। अब दो और चाहिए ना, T3 और T4 और चाहिए, तो वो थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हैव अ लुक, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा की वैल्यू 1/2 लेनी है। इसको 180 प्लस अल्फा लिख लो थीटा को, लाइक दिस। सो साइन 180 प्लस अल्फा क्या होता है, ये माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि वो नेगेटिव चला गया ना, हाँ, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन अल्फा माइनस, साइन अल्फा माइनस हाफ है, तो साइन अल्फा आ जाएगा हाफ, अल्फा हो जाएगा 30 डिग्री। तो जो एंगल आया हमारा थीटा, वो आ जाएगा 180 प्लस 30 210, 7π/6। दैट मीन्स पाई टी बाय 3 इज इक्वल टू 7π/6। सो टाइम आ जाएगा 7/2। समझ आ गया, तीसरा टाइम इंस्टेंट ही आ गया 3.5। और फोर्थ क्वाड्रेंट हम कैसे निकालेंगे, साइन थीटा हाफ है, इसको लिख लो 270 प्लस अल्फा, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा। 270 है तो साइन का कॉस हो जाता है। सो माइनस हाफ इज इक्वल टू माइनस कॉस अल्फा, कॉस अल्फा आ गया हाफ। सो अल्फा आ जाएगा 60 डिग्री। सो थीटा को हम ले सकते हैं 270 प्लस 60, सो हो जाएगा 330। गेटिंग? सो 11π/6। नाउ आई विल फाइंड वैल्यू ऑफ टी। सो पाई टी बाय 3 इज इक्वल टू
11π/6, 11/2, 5.5 seconds आ गया। आर यू गेटिंग? ऐसे हमको निकालना है। तो ठीक है, थोड़ा सा मैथ्स हो गया इसमें ज़्यादा, बट समझो इसको, ठीक है, कैसे हमको वैल्यू निकालनी है। चलो आगे बढ़ाता हूँ मैं टॉपिक को, देखो आगे। लिखो टॉपिक, एवरेज करंट, मतलब एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है। वो फॉर्मूला तो हमको मालूम ही, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है, सेम फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा। क्या फॉर्मूला है वो? I average is equal to total charge flown by time taken, total charge flown by time taken। ये मालूम है ना, ये फॉर्मूला तो क्लियर है, ये हम पहले भी पढ़े हैं, राइट, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। अच्छा ध्यान से देखना, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू को हम क्या लिख देंगे? आई डी टी। तो एवरेज करंट क्या हो जाएगा? डेल्टा क्यू को देखो, इंटीग्रेशन से हम निकालेंगे आई डी टी। सो एवरेज करंट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। समझ आया? तो ये फॉर्मूला यूज करना है। और अगर ग्राफ से देखना है तो आई डी टी क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन आई डी टी, ग्राफ अंडर करंट टाइम ग्राफ, एरिया सॉरी, एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ, और नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में डेल्टा डी। ठीक है ना, चलो शुरुआत मैं बेसिक क्वेश्चन से करता हूँ, अभी ऑल्टरनेटिंग करंट में नहीं आ रहा हूँ, अभी मैं करंट की वैल्यू देखो, ये लिख रहा हूँ, करंट इज टी स्क्वायर, फाइंड एवरेज करंट इन फर्स्ट 3 सेकेंड्स, फर्स्ट 3 सेकेंड्स में एवरेज करंट बताना है। बोलो कैसे होगा, करो ट्राई, लगाओ फॉर्मूला इंटीग्रेशन। एम्पियर में आंसर बताओ क्या आएगा, ओके? ठीक है, चलो देखते हैं। ओके 3 एम्पियर, ओके वेरी गुड। सो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी हो जाएगा 3, सो टी की पावर 3/3, 0 to 3 होल अपॉन 3। ठीक है, एक में कुछ गलती हुई, अच्छा सही तो है, आई एवरेज सही है ना, हाँ नीचे डेल्टा टी भी ले लिया, डेल्टा टी भी ले लिया नीचे, ठीक है। तो इतने हो जाएगा टी क्यूब बाय 9, तो दैट मीन्स 3³/9, 3 एम्पियर आ गया। ठीक है समझा? अब मैं
साइन ग्राफ वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। देखो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की इक्वेशन ये है। सो मुझे फाइंड करना है, फाइंड करंट, एवरेज करंट इन फर्स्ट हाफ साइकिल। फर्स्ट हाफ साइकिल बोले तो लाइक दिस, ये एरिया चाहिए होगा है ना चार्ज निकालने के लिए। ये एरिया फाइंड कर लो, चार्ज आ जाएगा, इसको टी बाई टू से डिवाइड कर देना, राइट वही होगा एवरेज करंट। और इंटीग्रेशन से ऐसे निकाल लेंगे, देखो आई एवरेज इज इक्वल टू जीरो टू टी बाई टू आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टी बाई टू टाइम टेकन टी बाई टू। आई नॉट तो कांस्टेंट है, उसको बाहर में निकाल लेता हूँ, और नीचे जो टी बाई टू है तो ये सिंप्लीफाई हो गया, टू आई नॉट बाई टी बन जाएगा। अंदर इंटीग्रेशन बचा साइन ओमेगा टी डी टी, सो दैट इज टू आई नॉट बाई टी। ध्यान से करो अब इसको इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन ए एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ए एक्स बाय ए, ठीक है ये याद रख लो। सो ये हो जाएगा माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए की वैल्यू ओमेगा है, ओके माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, लिमिट आ जाएंगी जीरो से टी बाई टू, गेटिंग। सो माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है ना, तो माइनस टू आई नॉट बाई टी ओमेगा भी मैं बाहर निकाल लिया, माइनस वन अपॉन ओमेगा बाहर आ गया। अब कॉस ओमेगा टी बचा, तो ये हो जाएगा अपर लिमिट रखेंगे तो कॉस ओमेगा कैपिटल टी बाई टू माइनस कॉस जीरो, ध्यान से देखना। अच्छा ओमेगा टी होता है टू पाई, ओमेगा टी इज टू पाई, तो कॉस ओमेगा टी बाई टू हो जाएगा कॉस टू पाई बाई टू, कॉस पाई हो जाएगा माइनस वन, माइनस वन माइनस वन माइनस टू हो गया, माइनस टू माइनस वन टू हो जाएगा, तो आंसर देखो क्या है, टू आई नॉट बाई पाई, ये आंसर आएगा, नोट डाउन, करेक्ट गुड। और ये याद भी रख लो आंसर, ठीक है ना, मेमोराइज इट, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि फर्स्ट हाफ साइकिल का, फर्स्ट हाफ साइकिल का एवरेज करंट क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट में, सो टू आई नॉट बाय पाई। इसकी अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालूं पॉइंट में तो ये आएगी पॉइंट सिक्स थ्री सेवन, टाइम्स आई नॉट, ठीक है समझा, 63.7% ऑफ आई नॉट, ऐसा याद रख सकते हो, हाँ करेक्ट।
चलो अभी मैं लिमिट चेंज कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ध्यान से देखना। जैसे ये ग्राफ है, अभी मैंने फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए लिया था, ठीक है, सेकंड हाफ साइकिल का लेंगे तो आंसर वही आएगा, नेगेटिव में आएगा। बट अभी मैं क्या लिमिट लूंगा ना, टी बाय फोर से थ्री टी बाय फोर, फाइंड एवरेज करंट बिटवीन टी बाय फोर टू थ्री डी बाय फोर। करो, ट्राई करो, स्टार्ट सॉल्विंग। लिमिट चेंज कर दिया बस, ठीक है ना। टी बाय फोर देखो यहाँ पर है, दिस इज टी बाय फोर, और थ्री टी बाय फोर ये है। सो ग्राफ से अगर मैं इसको समझूं, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा एरिया, और ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा एरिया। सो जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, सो टोटल चार्ज फ्लो ऑन कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज फ्लो ऑन विल बी जीरो। देख सकते हो ग्राफ से, समझ आ रहा है। एवरेज करंट का क्या फॉर्मूला है, टोटल चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन। यस, वेरी गुड, टोटल चार्ज फ्लोन बाय टाइम टेकन। सो टी बाय फोर से थ्री टी बाय फोर अगर हम देखें एरिया अंडर द ग्राफ, तो जितना पॉजिटिव एरिया है उतना नेगेटिव एरिया है। सो टोटल चार्ज फ्लोन जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, तो टोटल चार्ज फ्लोन जीरो आ जाएगा, ठीक है, एरिया से हमने निकाल लिया, तो एवरेज करंट की वैल्यू जीरो आ जाएगी। समझ आई? तो एवरेज करंट पूछ रहा है अगर क्वेश्चन में, तो पहले लिमिट जरूर देख लेना, फर्स्ट हाफ साइकिल का टू बाय पाई टाइम्स आई नॉट, और टी बाय फोर से थ्री टी बाय फोर, जीरो, ठीक है। ऑप्शन में ये भी होगा, टू बाय पाई आई नॉट भी होगा, जीरो भी होगा, तो लिमिट देख के हमको चेक करना पड़ेगा। अच्छा, और मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टी बाय टू से टी तक, एवरेज करंट हो जाएगा माइनस टू बाय पाई टाइम्स आई नॉट। चलो अब एक लास्ट क्वेश्चन, पूरी साइकिल का भी ये बता दो, जीरो से टी, जीरो से टी का भी क्या आएगा आंसर, बोलो। फॉर फुल साइकिल व्हाट इज द एवरेज करंट, फाइंड एवरेज करंट फॉर ओके, वेरी गुड, वो भी जीरो ही हो जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। सेम कंसेप्ट है, जितना पॉजिटिव एरिया आया है उतना ही नेगेटिव एरिया आया है। सो जितना पॉजिटिव चार्ज फ्लो हुआ है उतना नेगेटिव चार्ज फ्लो हो गया है, तो टोटल चार्ज फ्लो आ गया जीरो, सो एवरेज करंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो एवरेज हो गया। आरएमएस का भी एक फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, अभी तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू बता दी थी ना आरएमएस की, अब मैं उसका फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। चलो एवरेज हो गया है, ठीक है, फिनिश हो गया एवरेज करंट का टॉपिक। अभी मैं नया एक और बता रहा हूँ, फॉर्मूला फॉर आरएमएस करंट लिखो, इसका जो फुल फॉर्म है रूट
मीन स्क्वायर, ये होता है। देखो जैसे कि मेरे पास तीन नंबर है, 1, 3, 6, ठीक है ना, ये तीन नंबर है। इनका मीन कैसे हम निकालते हैं, 1 + 3 + 6 / 3, ये होती है एवरेज वैल्यू या मीन। और आरएमएस कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, आरएमएस पहले उनका स्क्वायर करो और फिर उनका मीन निकालो। और फिर फाइनल उसका रूट निकाल लो। समझ आया? फर्स्ट यू फाइंड मीन ऑफ स्क्वायर्स एंड देन टेक स्क्वायर रूट। तो करंट भी अलग अलग इंस्टेंट के करंट अलग होंगे, जैसे पहले इंस्टेंट का i1, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट का i2, नेक्स्ट इंस्टेंट का i3, फिर i4, ऐसे ऐसे हर एक इंस्टेंट के अगर मैं करंट निकालूं तो फॉर्मूला वही लग जाएगा रूट मीन स्क्वायर का, i1² + i2² + i3² + i4² हर एक इंस्टेंट का करंट निकाल के मैं उसका स्क्वायर करके ऐड करके फिर n से डिवाइड कर दूंगा तो यह जाएगा मीन ऑफ स्क्वायर्स, और फाइनली ऐसा स्क्वायर रूट ले लेंगे उसका। ठीक है ना, ये एक तरीका है। और एक है इंटीग्रेशन मेथड, वो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखो IRMS, इसके JEE मेन में आने के ज़्यादा चांस है, नीट में कम होते हैं। ठीक है, कि कोई फंक्शन दिया है और इंटीग्रेट करके RMS वैल्यू निकालना है। तो देखो फॉर्मूला ये है, इंटीग्रेशन I² dt अपॉन डेल्टा टी, लिमिट T1 से लेकर T2 तक हम लिमिट देंगे, ये होता है फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ I² dt होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, और ये जो कुछ भी फाइंड होगा उसका रूट। समझ आया? ऐसे हम निकालते हैं फॉर्मूले से। अभी देखो मैं एक एग्जांपल करा देता हूँ इसका। सपोज करंट की वैल्यू है T² पूछा है, फाइंड RMS करंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो सिंपल हमको ये फॉर्मूला यूज़ करना है। सो ये हो जाएगा, पहले मैं इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इंटीग्रेशन T² का होल स्क्वायर है ना, देखो I² है यहाँ पर और I है T², सो दैट इज T² होल स्क्वायर dt बाय डेल्टा टी जो कि है 2 है ना, 0 से 2 सेकेंड t की पावर 4 हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t^5/5 0 से 2, ये हो जाएगा 32/5। समझाया? 32/5 और नीचे डिनोमिनेटर में 2, और इसका रूट भी ले रहे हैं फिर √16/5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हमको फाइंड करना है RMS करंट। सो अभी जो हमारा वैल्यू है करंट का AC में, वो तो साइन फंक्शन है। तो मैथ्स में जिन्होंने किया है वो मुझे बताओगे, ठीक है ना, ग्रुप में पोस्ट कर देना उसका सॉल्यूशन, और नीट वाले भी ट्राई करो। और बट मैं उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के
बाकी चीज़ें मैं तुम पे छोड़ता हूँ, होमवर्क में आज वो फिनिश करना, डेरिवेशन। करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी, आरएमएस करंट चाहिए पूरा साइकिल का, बड़ा सा रूट लगाना पड़ेगा पहले, इंटीग्रेशन आई नॉट साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो यहाँ मैं हिंट दे देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को कन्वर्ट करो, वन माइनस कॉस टू थीटा बाय टू, ये मैंने हिंट लिख दिया, समझ आया। और लिमिट रखनी है जीरो से टू, जीरो से टी। और ये पूरा जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा आई नॉट बाई टू, ये मैंने कल डायरेक्ट बता दिया था, ठीक है, आया वो यहाँ से, ये फॉर्मूला आया, ठीक है, समझ आया। नीट वाले ट्राई करना, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते हैं नीट में, इतना इंटीग्रेशन। और फिर एक क्वेश्चन ये भी ट्राई कर लेना, ये मैं कल करा दूँगा, आई इज इक्वल टू टू प्लस थ्री साइन ओमेगा टी, फाइंड आरएमएस करंट इन वन साइकिल, ठीक है। और भी क्वेश्चन आते हैं, मैं आज डीपीपी में पोस्ट करता हूँ, जो पास्ट ईयर के भी होंगे ऐसे क्वेश्चन, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, आई इज इक्वल टू टू साइन ओमेगा टी प्लस थ्री कॉस ओमेगा टी, मतलब एक एक नंबर के साथ साइन है, दूसरे नंबर के साथ कॉस है, और दोनों को ऐड कर रहे हैं, फाइंड आरएमएस करंट इन वन साइकिल, ठीक है, समझा। सो क्या पढ़ लिया, ये है आज हमने क्या पढ़ा, एक बार दिखा देता हूँ, एवरेज पढ़ा और आरएमएस, एवरेज करंट डिस्कस किया आज, उससे पहले मैंने क्वाड्रेंट वाला बता दिया था, ठीक है ना, तीन टॉपिक हो गए आज। चलो फिर दैट इज ऑल फॉर टुडे, और वो ईएमआई का डीपीपी हमको करना है, आज मैं रखूंगा उसका क्लास, और इसका भी मैं डीपीपी भेजता हूँ, एसी का अभी तक जितना हुआ है, कुछ 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तक भेज दूंगा, वो आज ही कर लेना, ठीक है ना, एवरेज करेंट और आरएमएस पर बेस्ड। चलो ओके, दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना।